brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. दूसरे चरण का कल मतदान होना है, लेकिन मतदान के पहले पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मतदान के पहले बीमा भारती के करीबी के पास से 10 लाख नगद बरामद किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है। बता दें कि कल ही पूर्णिया में मतदान होना है और चुनाव के पहले इस तरीके की घटना सामने आई है। पुलिस ने उनके दो करीबियों को भारी कैश के साथ हिरासत में लिया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख कैश के साथ आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के दो करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि इस खबर के बाद पूर्णिया में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली से 5 बार से विधायक है। हाल ही में से नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी, जिसके बाद आरजेडी ने पप्पू यादव का पत्ता काटकर बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारा। बीमा भारती को लोकसभा का टिकट देते हुए पूर्णिया से महागठबंधन का लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी बनाया। इस सीट से बीमा भारती की जीत को लेकर आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव से लेकर के तमाम बड़े नेता विपक्ष के बीमा भारती के पक्ष में प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में बीमा भारती का मुकाबला पप्पू यादव से होना है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है, वहीं एनडीए से प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में है। पूर्णिया से मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। तेजस्वी यादव पूर्णिया में 3 दिनों तक पंचायत घूमे और कई जगहों पर बीमा भारती के लिए रोड शो किया, मन से बीमा भारती के लिए वोट मांगा। उनके साथ राजद के 40 से ज्यादा विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद थे। बता दें कि इस चुनाव की सबसे हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है। यहां मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती के साथ पप्पू यादव के बीच कांटे की टक्कर है। बता दें कि कल ही पूर्णिया में मतदान होना है। दूसरे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, जहां 5 सीटों पर मतदान होगा, उसमें से 1 सीट पूर्णिया भी है। लेकिन चुनाव के पहले बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पूर्णिया से अमित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।